परसेंटेज को देखकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं फिर मतदाताओं से, अपने सम्मानित लोगों से, जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि मत प्रतिशत शत प्रतिशत करें, क्योंकि आपके एक एक वोट की कीमत आपकी भी और देश की भी दशा और दिशा को बदलेगा। मत प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है, जो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच बोल रहा है, जिसकी वजह से मतदाताओं में एक अजीब किस्म की उदासीनता है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कम से कम अब तो जनता से तो सच बोलना शुरू करे, महंगाई पर बात करनी शुरू करे, बेरोजगारी पर बात शुरू करनी शुरू करे, मत प्रतिशत अपने आप बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाना चाहती है, वो चाहती कि भाजपा 400 पार न जीते ताकि कांग्रेस कश्मीर में 370 दोबारा लागू कर सके। प्रधानमंत्री जी हार से आने वाली निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं और कहीं ना कहीं डर गए हैं, जिसकी वजह से वो शायद कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो गए हैं, जो इस तरीके की बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी करना क्या चाहते हैं? हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, उस पर कोई ताला कैसे लगा सकता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर लगा सकती है, अगर उन्हें वोट नहीं मिले तो। भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए प्रभु श्री राम का इस्तेमाल करती है और प्रभु श्री राम और भगवान हनुमान उनको इस पाप की सजा भी देंगे, श्राप भी देंगे और गदा भी उनके ऊपर चलेगी। आने वाले चुनाव में उनकी बड़ी हार होगी। प्रधानमंत्री, कांग्रेस आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, आतंकवादियों का समर्थन देती है, उनको बेगुनाही का सर्टिफिकेट देती है, कांग्रेस कसाब के पक्ष में थी। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आतंकवादियों को छोड़ने का काम और उनको करोड़ों डॉलर लेकर के जहाज से पहुंचाने का काम कंधार में भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनके विदेश मंत्री ससम्मान उनको जहाज से छोड़ने गए थे। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा इस बात का। प्रधानमंत्री को इस बात का भी जवाब देना होगा कि वेद प्रताप वैदिक को दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हाफिज सईद से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्यों भेजा गया। प्रधानमंत्री को इस बात का भी जवाब देना होगा कि आईएसआई जैसा पाकिस्तान का कुख्यात संगठन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ससम्मान हिंदुस्तान क्यों बुलाया। प्रधानमंत्री को इन सारी बातों का जवाब देना होगा कि आप लोग बगैर बुलाए आतंकी देश पाकिस्तान में बिरयानी खाने क्यों गए। हमने तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की हैं प्रधानमंत्री जी, हमने तो अपने आतंकवाद में दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं, नक्सली आतंकवाद में हमारी क्या नाम छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस खत्म हुई है। आपके किस नेता की उंगली भी कटी है आप बताएंगे? और जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की जनता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत को भी जानती है, राजीव गांधी जी की भी शहादत को जानती है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और संघ के उन सारे भगोड़ों को भी जानती है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में माफी मांग करके अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी। सोशल मीडिया पर कहा है कि राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कर रहे हैं, उनसे पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा है और अमेठी जिताने की बात कर रहे हैं। अमेठी में भाजपा की लहर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 203 राइफल की फैक्ट्रियां यहां पे बनाई हुई हैं, भाजपा अमेठी से जीत रही है। स्मृति ईरानी जी आने वाले चुनाव में किशोरी लाल शर्मा जी से हार के डर से अपना मानसिक संतुलन खो गई हैं। कुछ समय स्मृति जी जाइए, गोवा में बैठिए, सिली सोल में बैठिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान की बिरयानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाते हैं। पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों के नाम पर आईएसआई जैसे कुख्यात आतंकी संगठन को हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी बुलाते हैं। हाफिज सईद से मिलने के लिए वेद प्रताप वैदिक जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वीजा देती है, भेजती है।
आपको इन सारी बातों का जवाब देना होगा। और हमारा तो स्पष्ट आरोप है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने अच्छे संबंधों का पाकिस्तान से इस्तेमाल करके किसी पाकिस्तानी नेता से राहुल गांधी की तारीफ इसीलिए करा दी कि प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को और स्मृति ईरानी जी को बोलने का मौका मिले। अरे भाई, वो आपके दोस्त हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, आपके यहाँ सी प्लेन भी भेजते हैं, तो आपको जवाब देना होगा। अमेठी की जनता मुद्दों पर जवाब मांग रही है। किशोरी लाल शर्मा जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, जो मायावती जी ने किया है उससे एक चीज स्पष्ट परिलक्षित होती है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका अघोषित समझौता है, जो हमारा आरोप था वो पुष्ट हो रहा है। जिस तरीके से वो लोग सीटें चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से अपरिपक्वता का आरोप लगा करके सुश्री मायावती जी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो साफ साफ शो करता है कि कहीं ना कहीं सुश्री मायावती जी डर गई हैं या कोई समझौता किए हुए हैं। क्योंकि अपरिपक्व डिसीजन तो आकाश आनंद का बाद में होगा, उसको बनाने का अपरिपक्व डिसीजन अगर कथित रूप से लिया तो आप ही ने लिया। आकाश आनंद अपनी रैलियों में भाजपा का विरोध कर रहा था, आकाश आनंद ने कुछ फायरी स्पीच दी थी, तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हुई और मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौते के नाम पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद को हटा तो नहीं दिया है, मायावती जी को जवाब देना होगा। अब मोहन यादव जी को यही कहना पड़ रहा है, चूंकि मोहन यादव जी को स्मृति ईरानी तक तो साध नहीं रही हैं। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री होते हुए अमेठी आए थे स्मृति जी के नामांकन में, उनका नाम तक नहीं स्मृति ईरानी जी ने लिया, उनकी फोटो के साथ उनका नाम तक नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। आज की डेट में जिस मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता ही कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, उनका कॉग्निजेंस क्या लिया जाना। बोलते रहिए मोहन यादव जी, हम तो जमानत पर आजादी के आंदोलन के समय भी थे, उसके बाद भी थे। हम देश की एकता, अखंडता और उन्नति को बचाने के लिए सड़क पे रहेंगे और आप लोग मुकदमे लगाएंगे, तो जमानत लेना तो स्वाभाविक है।